अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये देखें, एक हादसा हो गया था। आप लोगों को याद होगा बचपन के दिनों में इस तरह की हरकत देहातों में हम भी क्या करते थे। बच्चे जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, खुद बेपरवाह होते हैं हादसात से। तो बहुत ही कमाल का ये सफ़र है। तो फाजिलपुर में आपके लिए जो है बेहतरीन व्लॉग बना कर लाया हूँ, सोचा कि क्यों ना आपको ये शेयर किया जाए। बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही इन्जॉय कर रहे थे, म्यूज़िक लगा हुआ था गाड़ी में और जो है ऑडियो को एक्सट्रैक्ट करना पड़ा कॉपीराइट की वजह से। कोटला अंदरून और ये गब्बर अराई का जो ज़िला मुजफ़्फ़रगढ़ है वाली साइड पे, ये एक कश्तियों वाला पुल जिसको कहते हैं आरजी पुल लगता है, ये शॉर्टकट पे है फाजिलपुर से। अगर तुर्की कॉलोनी को क्रॉस करें तो साहन वाला एक इलाका है वहाँ पे, तो वहाँ पर ये बहुत ही प्यारा सा निज़ाम है, बहुत अच्छा निज़ाम है। बलोच भाई यहाँ पर मेजॉरिटी में रहते हैं, बिल्कुल देसी माहौल है। दिल बिल्कुल, जब आप परेशान हो शहर के हालात से और शोर शराबे से, और आप अगर चाहते हैं एडवेंचर आप चाहते हैं, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं इन जगहों पर। तो इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर बिल्कुल अगर ब्रिज वगैरह बना दिए जाएं तो बहुत ही जो है बाईपास लेवल बन जाए तो फासले सिमट जाएंगे। जैसे जैसे सफ़र गुजर रहा है और एक्साइटमेंट में इजाफा हो रहा है, और बहुत ही यहाँ पर जो है राजनपुरी बकरे इधर बहुत ज़्यादा थे, लोगों ने पाल रखे थे, और कोटला अंदरून पेट्रोलिंग पोस्ट भी यहाँ पर आती है। अगर आप आएँ तो आपकी हिफाजत के लिए जवान यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही कमाल इलाका है, इसको बेहतरीन सा एक अच्छा सा, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा माहौल है, ये छोटे बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, और आप सामने घर देख सकते हैं। बारिशें वगैरह जब आएँ तो इसके अंदर पानी नहीं आता, मेरा भी यही क्वेश्चन था और आपको भी यही क्वेश्चन होगा। और ये जो आप देख रहे हैं सामने घोड़ा जो है, हार्स जो है, ये बहुत कंपटीशन में हिस्सा लेने वाला घोड़ा है, और इसने रिसेंटली जो है एक दौड़ जो थी इसने विन की है। बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पर, जामे मस्जिद भी है, तो बहुत ही कमाल का और दिल को अच्छा लगने वाला, और खजूरों का दरख्त और उसके पीछे सूरज, तो क्या ही बात है, क्या ही माहौल है, क्या खूबसूरत माहौल है। और यकीन जाने के जो नेचुरल ब्यूटी होती है उसमें इंसान अगर जितना भी बीमार हो और परेशान हो, तो उसकी ये बीमारियां वगैरह इस ग्रीनरी को देखकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। बस अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए जो है व्लॉग बनाता रहूं और आपके लिए ये वीडियोस लेकर आता रहूं, तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग जो है मेरे जो है वॉच टाइम पूरा करवा दें। बहुत मुद्दत हो गई है, 1.5 साल से ऊपर का अर्सा गुजरने वाला है, चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, सब्सक्राइबर तो जैसे जैसे तैसे पूरे हुए हैं, लेकिन वॉच टाइम जो है वो आपको पता है कि रिवर्स हो जाता है साल मुकम्मल हो, तो साल कंप्लीट हो चुका है और जो है चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ और वॉच टाइम गिरने लगा है, 1600 से अब 900 पर आ गया है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट के, और यूट्यूब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपना क्राइटेरिया थोड़ा नरम करें। मेरी एक वीडियो वायरल की थी इन्होंने, तो वो किसी ने मुझे जो है ना पुट्ठा मशवरा दिया, जिसकी वजह से मैंने चैनल का नाम तब्दील किया, तो मेरा चैनल उसर से बैठ गया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यूट्यूब की जो टीम है कि वो इसको करेक्ट करें और इग्नोर करें। ओके।